इंदौर में बैंक से कर्ज लेकर अपने मकान में रहने का सपना देखने वाले परिवार को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत डीआईजी की जनसुनवाई में की है। एमआईजी थाना क्षेत्र के कृष्ण बाग कॉलोनी में रहने वाले मुश्ताक शेख ने बैंक लोन लेकर श्रीनगर एक्सटेंशन में 49 लाख में मकान खरीदा था, लेकिन उन्हें उसी मकान से बाहर निकाल कर ताला डाल दिया गया, जिसकी शिकायत करने डीआईजी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंचे। पीड़ित ने यह मकान कुछ ही महीने पहले पूर्णिमा पिलाई से लिया था। मकान की जो कीमत थी वह पीड़ित ने बैंक से 49 लाख लोन लेकर चुका दी थी, लेकिन इसके बाद पूर्णिमा की बहन और मोनिका और उसके पति तन्मय पांडे ने पुलिस की मदद से उन्हें मकान से बाहर निकाल दिया और उस मकान में ताला डाल दिया। अब पीड़ित थानों सहित अन्य अधिकारियों के केबिन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंदर मैडम ने हमारे से पूरे पेपर की फोटोकॉपियां लेके देख के और उन्होंने कहा आपसे कि बोले थाने पे जाइए और आपका वहीं काम होगा। 10 दिन से हम परेशान हो रहे हैं और हमारी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। क्या शिकायत है आप लोगों की? हम लोग वहाँ रह रहे हैं, हमारे मकान से हमें घर से बेघर कर दिया उन लोगों ने, हमें पूरा परिवार रोड पर मारा मारा फिर रहा है हमारा। कौन लोगों ने कर दिया? मोनिका और उनका हस्बैंड है पांडे करके, हनी पांडे करके, दादागिरी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको रहने नहीं देंगे, जान से मार देंगे। क्या कारण है कि जो बाहर मतलब क्या खरीदा था आपने मकान, क्या करा था? मकान पूरे पैसे देके लोन करवा के और रजिस्ट्री करवा के हम खुद ही रह रहे हैं उसमें, 10-15 दिन से रह रहे थे और अभी 10 दिन से उन्होंने घर से बाहर कर दिया हम लोगों को। क्या कहना पड़ रहा है उन लोगों का? उन लोगों का कहना पड़ा या तो आप हमें 20 लाख रुपए दो मकान पे अगर रहना है, नहीं तो फिर मकान पे आपके ऊपर लूट लगवा देंगे हम। तो ये क्या कौन है जिसके जिससे खरीदा था, उनके कोई रिश्तेदार या क्या कहना? उनकी छोटी बहन का आदमी है और उनका मकान का हिस्सा उनका अलग है और जो हमारा खरीदा गया वो अलग हिस्सा हमारा। तो जिससे आपने खरीदा उसने उनसे आपने कहा है ऐसी बातें तो क्या कहें? उन्होंने कह दिया कि मैंने आपको पूरा मकान खाली करके दिया, आप रहने लग गए, उसकी जवाबदारी थोड़ी, कल से कोई गुंडे आ जाते तो हमें वहाँ से खंडवा से छुड़ाने थोड़ी आऊँगे आपको, बोले। अंदर आज शिकायत करी तो क्या बोले यहाँ के लोग? यहाँ के लोगों ने कहा कि आपका आवेदन ले लिया है और आगे थाने पर चले जाइए आप, बोले।